सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन एक बहुत ही सरल परीक्षा है, लेकिन अधिकतर लोग एक दूसरे की नकल करने के कारण फेल हो जाते हैं, जबकि प्रश्न पत्र सबका अलग अलग होता है। वह व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा होता है वह अंत में दूसरों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहता है। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग में किस प्रकार के विचार आते हैं। आज का पंचांग 6 अगस्त 2020, दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 12:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 11:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ मुहूर्त 2:03 से 3:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ मुहूर्त 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कोई रुके हुए पेमेंट आज मिलने से आर्थिक समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएगी तथा टेंशन भी दूर होगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपकी परेशानियों से सहायक सिद्ध होगा। आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा हो सकता है। आपको कुछ मामलों में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। अगर आप अपनी टीम को डील कर रही हैं तो आपको आज अपनी साथियों को मोटिवेट करने और उनके कोशिशों की तारीफ करनी होगी। आपका टीम के साथ व्यवहार भी आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। निजी जिंदगी में आपको किसी तरह के लॉयल्टी टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। आज आप अपने आहार में संतुलन रखें, पानी अधिक पिए। आपके माता पिता को किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है जिससे घर में झगड़ा हो सकती है। मरम्मत और नवीनीकरण की भी घर में संभावना है, हालांकि ये महंगा होगा लेकिन काम पर आपके प्रयासों को जल्द ही इनाम मिलेगा। प्रशंसा और विश्वास भरे हुए शब्द आपको प्रोत्साहित करेंगे। आज आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मामलों को हल करेंगी। निजी और व्यवसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें, अपने लिए भी समय निकालें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या कितनी धीमे आगे बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश ही नहीं करते। सावधानियां, आज दोस्तों और बेकार के कामों में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही रह जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लव लाइफ की बात करें तो नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आज आपको आपका हमसफर मिल जाए। कुछ रोमांटिक और अंतरंग क्षण भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। घरेलू मामलों में आपका अधिकतर समय बीत सकता है, ऐसे में शांति से इन समस्याओं को सुलझाएं। अपने घर के मामलों के लिए व्यस्त कामों से समय निकालें और अपने प्यार करने वालों के सुझावों का सम्मान करें। आज आपकी खूबियों और व्यक्तित्व की ओर कोई आकर्षित हो सकता है। अपने साथी से दूरियां कम करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें कि वो आपसे दूर होने की बात सोच भी ना सके। करियर की बात करें तो पानी या पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट से आप परेशान हो चुके हैं और आज किसी नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं। शिक्षा में आए व्यवधान को भूलकर अभी प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जुआ, शेयर या सट्टेबाजी आपके लिए विनाश का कारण बन सकती हैं। इनसे दूर रहें, यह आपके प्रयासों की नई शुरुआत है।
और आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनका आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। अपने सहयोगियों और अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा। सेहत की बात करें तो आज आप स्वास्थ्य को लेकर खुशनुमा स्थिति में रहेंगे। आज आप अपना दिमाग सकारात्मक भावनाओं जैसी प्यार, आशा और विश्वास की तरफ लगाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी ओर से किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करें ताकि आपका स्वास्थ्य और दिमाग ठीक रहे। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।